आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे में, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनानी है इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द समीर गोयल। सबसे पहले आपके ये ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दो जगह पे आएगा, दैट इज कैश और कैपिटल, है ना। कैश में भी प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड रेंट इन एडवांस, जो कि नया आया है इस बार, तो इस पे मैं यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ क्योंकि ये नया आया है इस बार पॉइंट, पेड रेंट इन एडवांस 3000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए इसको स्टडी कर लेते। तो यहां पे गिवन है दैट इज पेड रेंट इन एडवांस, आपने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपके खर्चे होते हैं ना, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, द एक्सपेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स, है ना। एक होता है ऐसे खर्चे जिनकी पहले पेमेंट करनी पड़ती है ना, यानी कि प्री का मतलब पहले, यानी कि पहले पे करना पड़ता है उनको, यानी कि प्रीपेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने रिचार्ज, आप फोन यूज कर रहे हैं ना, जब तक आप रिचार्ज नहीं कराएंगे ठीक है तब तक आप कॉल नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने फॉर एग्जांपल आपको नेट का रिचार्ज कराना है ना, तो आपको नेट डलवाना है 2GB 1GB जो भी है, तो आपको पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्विस अवेल कर सकते हो नेट की, है ना। अदरवाइज यही आएगा नो इंटरनेट, है ना। तो प्री मतलब पहले और पेड, ठीक है। प्रीपेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट एडवांस में करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ये देखिए, हमेशा से ध्यान दीजिएगा कि प्रीपेड में पहले, एक तरीके से पहले देने पड़ते हैं, पे का मतलब देने पड़ रहे हैं, प्री मतलब पहले, ठीक है। और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, वो होती हैं हमारी करंट असेट्स। क्या होती हैं हमारी करंट असेट्स होती हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज को हमेशा कि हमारी असेट्स होती हैं, करंट असेट्स होती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और भी पॉइंट है, लेकिन अभी इसको बाद में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्सपेंसेस मतलब पे कर रहे हो और पहले पे कर रहे हो, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, करंट असेट्स होती हैं हमारी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पेड रेंट इन एडवांस, यानी कि एडवांस में पे कर दिया, प्री पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं पेड रेंट इन एडवांस 3000 रुपीज, है ना। तो पेड रेंट इन एडवांस आ गया आपके पास यहाँ पे 3000 रुपीज, आपने 3000 का रेंट पहले पे कर दिया, ठीक है। अब इससे ना दो चीजें होती हैं, देखो इससे, इस टर्म से आप दो चीजें डिफाइन कर सकते हो, है ना। पहली चीज तो आपने पे कर दिया, ठीक है। जब आप कोई भी चीज पे करते हो तो आपके जेब से क्या जाता है, कैश, है ना। अगर आपने रेंट पे किया तो कैश की फॉर्म में ही तो पे करोगे, अपने पॉकेट से पे करोगे ना कैश। जैसे 3000 का रेंट है तो 3000 रुपए आपने दिए हैं किसी को, तो आपकी जेब से 3000 रुपए जा रहे हैं कैश की फॉर्म में, तो कैश में से हम 3000 रुपीज माइनस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो कैश जा रहा है, पे मतलब जा रहा है कैश, जो चीज जा रही होती है उसको माइनस करते हैं। दूसरी चीज की ये पेड रेंट इन एडवांस का दूसरा नाम होता है प्रीपेड, और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया नीचे कि प्रीपेड रेंट हमारा करंट असेट्स होता है ना। तो अगर प्रीपेड रेंट करंट असेट्स है, यानी कि असेट्स कह सकते हैं अभी तो, ठीक है। तो अगर ये असेट है तो ये तो असेट्स में लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अकाउंटिंग इक्वेशन में आप असेट्स के हर एक नाम लिखेंगे, चाहे वो कैश है, चाहे वो डेटा है, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो ऑब्वियस सी बात है प्रीपेड है, ठीक है। तो असेट्स में जो एक तो असेट्स होता है उसके नीचे बहुत सारे आप लिखते हो, कैश, डेटा, गुड्स, फर्नीचर, जो भी है एक्स वाई जी, ठीक है, तो वो लिखते हो। तो उसी तरीके से ये भी असेट है, तो इसका भी नाम लिखा जाएगा प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट में कितना रेंट दिया हमने,
3000 रुपीज का, है ना। तो प्रीपेड रेंट में हम लोग क्या कर देंगे, 3000 रुपीज एड कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो पहला जो था आपका कि स्टार्टेड किया आपने बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, ये था ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दो जगह आएगा, एक कैश में प्लस होगा, एक कैपिटल में प्लस होगा। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप इतना कर करके ही आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना, फर्स्ट वाले को। तो नेक्स्ट आ गया पेड रेंट इन एडवांस। आई होप ये आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि प्रीपेड है, एक्सपेंसेस को आप पहले ही पे कर देते हो, प्रीपेड हमारी असेट्स होती हैं। तो प्रीपेड रेंट इन एडवांस अगर हमने पे किया है रेंट 3000 रुपए का, तो कैश जो चला गया 3000 रुपए, और क्योंकि सारी असेट्स का नाम लिखा जाता है तो प्रीपेड भी तो असेट है, तो प्रीपेड भी एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिखे जाएंगे कहां पर, असेट्स के नीचे वाले कॉलम में, सॉरी असेट्स के नीचे वाली रो में, तो 3000 वहां पे भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन में भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो असेट्स है ना, यहाँ पे देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड किया हुआ है। अब देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में आ गया, और कैपिटल में यही चीज मैंने आपको बताई थी, कैश और कैपिटल में आएगा, तो वो कैश और कैपिटल में आ गया। उसके बाद इक्वेशन तो आप चलो कर ही लेंगे, पेड रेंट इन एडवांस वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, कैश में से माइनस और प्रीपेड में ऐड। तो देखिए कैश में से माइनस किया 3000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स के ही एक नीचे वाली रो में इसको ऐड किया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम, फिर 3000 यहाँ पे ऐड किया जाएगा, बाकी जगह कुछ नहीं आएगा, न्यू इक्वेशन आप निकाले लेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 50000 एंड क्रेडिट 20000। आपने परचेज किए गुड्स, कैश में तो खरीदे 50000 के गुड्स, और क्रेडिट यानी कि उधार पे खरीदे आपने 20000 के गुड्स, तो 50000 के कैश में और 20000 के क्रेडिट में, तो 50 + 20 कितने के गुड्स हो गए, 70000 के ना। तो गुड्स में हम लोग क्या करेंगे, 70000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 50000 के गुड्स कैश में, क्रेडिट में 20000 के, तो 50 + 20 70000 के गुड्स हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कर दिया यहाँ पर ऐड। अब देखिए कैश में कितने खरीदे हैं, 50000 के गुड्स आपने कैश में खरीदे हैं, तो गुड्स आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है 50000 रुपए जा रहे होंगे, क्योंकि गुड्स खरीदोगे तो पैसे तो दोगे ना, है ना। तो आपने अगर गुड्स खरीदे, ठीक है, 50000 के गुड्स आपने कैश में खरीदे, तो कैश में माइनस हो जाएगा 50000। ठीक है, अब गुड्स में तो 50 + 20 दोनों आएंगे, हमें क्या मतलब, है ना। जैसे गुड्स की बात करूं, चाहे मैं उधार पे खरीदूं या मैं कैश पे खरीदूं, मेरे पास तो आ गए ना गुड्स 70000 के, तो 50 + 20 70000 के गुड्स तो मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, बस फर्क ये है कि कैश में 50000 था तो कैश में से 50000 माइनस कर दिया, है ना, और क्रेडिट में 20000 था, यानी कि उधार पे जो गुड्स खरीदे हैं वो आपने 20000 के गुड्स खरीदे हैं। और मैं हर बार मैंने आपको ये चीज बताई है, जब भी आप क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं तो जेनरेट होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं, क्रेडिट पे आपने गुड्स खरीदे 20000 के, और क्योंकि क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स जेनरेट होंगे जो कि हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, और यहाँ पे आप 20000 के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 20000 के यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, तो हो गया ना हिसाब बराबर। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो 70 - 50 20, यहाँ पे भी 20 आ रहा है, देखिए हो गया ना हिसाब क्लियर। ठीक है, न्यू इक्वेशन आप निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80000 कॉस्टिंग 40000। 40000 के गुड्स आपने 80000 में बेचे हैं, ठीक है, और वो भी कैश में, तो बताओ 40000 के गुड्स, 40000 के गुड्स अगर आपने 80000 में बेचे हैं, वो भी नकद यानी कि कैश में, तो पैसे कितने आएंगे बच्चे। जैसे अगर आप गुड्स बेचते हो तो पैसे आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा की बुक्स की स्टोर है ना, तो वो बुक्स को बेचेंगे और सामने वाला कस्टमर आपको पैसे देगा, तो पैसे तो आ रहे हैं ना पापा के पास, प्लस करेंगे ना। सेम इसी तरीके से जब आपने गुड्स बेचे, यानी कि गुड्स आपने जब 40000 के बेच दिए, तो पैसे कितने आ गए, 80000, तो कैश में आए हैं, तो कैश में 80000 हम प्लस कर देंगे,
गुड्स कितने के बेचे हैं बच्चे? 40,000 के गुड्स बेचे हैं ना, तो गुड्स में से 40,000 रुपीज क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? तो गुड्स में माइनस होगा क्योंकि सेल में माइनस होता है और परचेज में प्लस होता है। गुड्स में बता रही हूँ, गुड्स में जब आप खरीदोगे गुड्स को तो गुड्स प्लस होंगे, जब आप बेचोगे गुड्स को तो गुड्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है? अब 40,000 के गुड्स आपने बेच दिए तो माइनस का 40,000 आ गया। कितने में बेचे? 80,000 में, तो 80,000 का कैश आ गया। तो 40,000 के गुड्स अगर आपने 80,000 में बेचे हैं तो यानी कि 40,000 प्रॉफिट भी बेचे हैं। 40 की चीज को ही आप 80 में बेच रहे हो, तो यानी कि 40 रुपए प्लस करके, प्रॉफिट प्लस करके बेच रहे हो, है ना? तो 40,000 की चीज को जब आपने 80,000 में बेचा तो ये जो रिमेनिंग 40,000 जो प्रॉफिट है वो आया, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है? न्यू इक्वेशन आप निकाल लेंगे। ओके, देन ये नया पॉइंट आया है, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले पॉइंट में देखिए, चलिए अब फिफ्थ वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट भी नया आया है। ये मान के चलिए कि सिक्स्थ क्वेश्चन अगर बना है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और फिफ्थ पॉइंट के लिए ही बनाया जानबूझ के। इस क्वेश्चन को फ्रेम ही सेकेंड और फिफ्थ पॉइंट के लिए किया गया है, क्योंकि बाकी सब तो कॉमन ट्रांजेक्शन है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो फिफ्थ इलस्ट्रेशंस तक। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे आपको दे रखा है पेड सैलरी इन कैश 45,000 की सैलरी आपने पे करी कैश में 4500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग आपने पे करी 1000, है ना? चलिए तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब देखिए एक्सपेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक मैंने आपको बता दिया, एक के लिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी जानबूझ करके, है ना? देखो अब यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, ठीक है, जो कि ड्यू हो जाते हैं लेकिन अब तक उनकी पेमेंट नहीं होती, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने पे नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है? तो ऐसे केस में कहते नहीं है कि जैसे बड़े बात कर रहे होते हैं, कहते नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो अभी है, अभी उसको पे करना बाकी है, ये तो ड्यू हो गया, है ना? मतलब ऐसे ये वाले खर्चे ड्यू हो गए हैं। ड्यू का मतलब क्या होता है कि अभी तक उनकी पेमेंट करना बाकी है, पेंडिंग है उनकी पेमेंट अब तक, ठीक है? तो यहाँ पे तो आप पेमेंट पहले ही कर देते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पेमेंट नहीं करते ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन, या तो आपके पास पैसे नहीं है या जो भी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर पाते, ठीक है? तो यहाँ पे तो पहले ही पेमेंट हो जाती है, यहाँ पे पेमेंट ही नहीं होती तो वो ड्यू हो जाती है। ड्यू का मतलब जो पेमेंट नहीं रिसीव हुई होती या जो आपको पे नहीं किया होता, जैसे एक तरीके से, तो वो आ जाता है, ठीक है, पेमेंट के एक्सपेंसेस के फॉर्म में देखा जाएगा। तो पेमेंट जो ड्यू होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सपेंसेस दैट आर नॉट पेड, जिनको अब तक पे नहीं किया गया, जिनको पे नहीं किया गया, एंड इट बिकम्स, क्योंकि पे नहीं किया गया तो वो ड्यू हो गया हमारा, ठीक है? ड्यू मतलब कि बाद में तो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, एक तरीके से ड्यू हो गया कि पेमेंट करनी बाकी है, ठीक है? तो क्योंकि आपने खर्चा पे नहीं किया लेकिन बाद में कभी ना कभी तो दे करना पड़ेगा, लेकिन हमारे हेड में कॉन्स्टेंटली ये बात चलती रहेगी कि हाँ हमने बिल नहीं भरा है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी बाद में। अभी के लिए फिर भी आप रुक सकते हैं लेकिन बाद के लिए नहीं, ठीक है? तो ऐसे खर्चे जिनको आप पे नहीं करते तो वो ड्यू हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चे? तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आप पे नहीं कर पाते ड्यू बन जाते हैं, तो एक्सपेंसेस ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बात एक ही है, ठीक है? यहाँ पे पेमेंट रिसीव, सॉरी पेमेंट पे नहीं किया होता। चलिए तो अब देखो ये इसके दो पार्ट्स हैं, अलग अलग है ना, तो अलग अलग ही चलेगा। यहाँ पे पहले पेमेंट कर दी, यहाँ पे पेमेंट नहीं करी, है ना? अब यहाँ पे देखिए ये असेट है, तो ये क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? फिर भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपकी असेट है, ये आपकी लायबिलिटी है। तो देखिए जब असेट थी तो मैंने आपको बोला था कि आप असेट्स के नीचे वाली रो में एक और नाम ऐड करेंगे, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही बात बताई थी ना मैंने आपको। तो ये भी तो अगर आप इसको स्पेशल एक तरीके से
रिगार्ड दे रहे हैं कि आप इसका एक अलग से रो में एंट्रेंस कर रहे हैं इस चीज़ की भी, तो सेम इसी तरीके से लायबिलिटी वाले के भी तो नीचे जब आप अलग अलग लायबिलिटीज़ का नाम लिख रहे होंगे, क्रेडिटर्स या जो भी है, ठीक है, तो अगर आप नाम लिख रहे होंगे तब आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो आ रहा है क्वेश्चन में, है ना। जैसे आपने इसको ऐड किया था असेट्स में, वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड करना पड़ेगा लायबिलिटीज़ के नीचे वाले रो में। ठीक है बच्चे, चलिए आप क्वेश्चन कर ले, यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। पे किया सैलरी, पहली बात तो सैलरी खर्चा है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पे सैलरी इन कैश 4500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, ठीक है। सबसे पहले पेड सैलरी इन कैश, आपने कैश में सैलरी पे करी, ठीक है। तो पहली कितनी पे करी है हमने सैलरी कैश में, 4500, ओके। तो आपने सैलरी पे करी कैश में कितना, 4500। अब देखिए दो चीज़ है, आपने पे करी सैलरी कैश में 4500, तो बताओ आपकी जेब से पैसे कितने गए, क्योंकि आपने कैश में पे करा है, आपने 4500 अपनी जेब से निकाल के दिए हैं सैलरी के सामने वाले को, जो भी लेबर जो भी लग रहा है आपके, तो आपके जेब से क्या गया, कैश गया ना। तो जब कोई भी चीज़ जा रही होती है तो जा रहा होता है या जा रही होती है तो वो माइनस करते, तो 4500 हमने माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि 4500 रुपीस हमारे जेब से जा रहे थे तो हमने माइनस कर दिए कैश में से, ठीक है। अब देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि अगर कोई भी खर्चा होता है तो वो दो जगह दिखाया जाता है। मेरा यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे नोट्स मैंने लिख रखे हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा से ये बात बताई है कि एक्सपेंसेस हमेशा कैश और कैपिटल में माइनस होते हैं, बताया था ना मैंने आपको ये, मैं बार बार बता चुकी हूँ। और अगर कोई भी इनकम होती है तो उनको कैश और कैपिटल में प्लस करते हैं, मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ, मोस्टली हर एक वीडियो में मैंने आपको, अगर एक्सपेंसेस और इनकम वाला कभी भी पॉइंट आया होगा, मैंने हमेशा ये चीज़ आपको बताई होगी कि एक्सपेंसेस कैश और कैपिटल में माइनस होते हैं और इनकम क्योंकि आ रही होती है इनकम तो कैश और कैपिटल में प्लस होती है। तो ये सैलरी है, पे कर रहे हो, खर्चा है, यानी कि कैश और कैपिटल में माइनस होगा, तो कैश में से तो मैंने माइनस कर दिया, और दूसरा कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा लिखो कैपिटल, कैश और कैपिटल में माइनस करना है, तो ये लीजिए हो गया, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस, ठीक है। चलिए अब इतनी स्टेटमेंट तो हमने कर दी इतनी, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीस, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीस, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीस, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सैलरी क्या है, खर्चा, और खर्चा हमेशा कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। तो पहली चीज तो ये आ गई कि कैपिटल में, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो कैपिटल में से तो माइनस हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैंने यहाँ पे कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैम ने तो कैश भी लिखवाया है ना, तो कैश क्यों नहीं लिखा। तो बेटा देखिए इसमें साफ साफ दे रखा है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का साफ साफ ये मतलब है कि आपने पे किया है ही नहीं। जब आपने कोई चीज पे ही नहीं करी तो इसका मतलब आपकी जेब से कैश गया ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है। जब मैंने बिजली का बिल नहीं भरा तो इसका मतलब मेरे जेब से कैश इतना गया ही नहीं है बिजली के बिल वाला। सेम इसी तरीके से सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, अभी पेमेंट करनी बाकी है, बाद में दे देंगे, ठीक है। तो सैलरी अभी मतलब एक्सपेंसेस आर नॉट पेड, इसको आपने अब तक पे ही नहीं किया, तो जब आपने पे ही नहीं किया तो कैश तो गया ही नहीं, तो यहाँ पे कैश जब गया ही नहीं तो कैश के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो फिर कहाँ जाएगा सामान, सामान ये जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, कहाँ जाएगी बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, इधर जाएगी। तो चलिए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी वाले कॉलम में इसको ऐड किया जाएगा,
और यहाँ पे प्लस करेंगे 1000, ठीक है। जैसे प्रीपेड में प्लस किया था ना, ये देखिए यहाँ पे है ना, वैसे ही आउटस्टैंडिंग में प्लस कर देंगे। क्लियर है बात? तो दो जगह मैंने बताया था कि दो जगह आएगा, एक यहाँ पे कैश में पे कर रहे हैं तो कैश और कैपिटल, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग और कैपिटल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब एक इसका मेन क्रक्स निकालें, मेन कंक्लूजन निकालें। तो देखो कैश में कितना आएगा, कैश सिर्फ एक जगह आ रहा है तो कैश में आएगा -4500। कैपिटल दो जगह आ रहा है, ये देखिए है ना, तो यानी कि कैपिटल में आएगा 4500 भी माइनस होना है और 1000 भी माइनस होना है। तो बताइए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो बताइए टोटल कितना माइनस होगा, 4500 का ये, 1000 का ये, तो 4500 प्लस 1000 कितना हो गया बच्चे, 5500। तो इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस ही हो रहा है दोनों जगह पे, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। तो यानी कि 4500 और 1000 दोनों को प्लस किया तो कैश हो गया, कैपिटल हो गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जगह नहीं है तो इसलिए मैंने आउट लिख दिया यहाँ पर, लेकिन आप पूरा ही लिखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कितना आएगा बेटा, 1000, कितना यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे कैश में माइनस था तो माइनस, कैपिटल में माइनस था तो माइनस, आउटस्टैंडिंग में प्लस है तो प्लस। तो इन शॉर्ट कैश में 4500 माइनस करना है, तो देख लेते हैं ये कैश में 4500 माइनस कर दिया, उसके बाद कैपिटल में 5500 माइनस करना है तो कैपिटल में जाएंगे 5500 यहाँ पे माइनस कर दिया, उसके बाद 5500 के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 1000 ऐड करना है लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में एक और नाम जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे, 1000, ठीक है। तो ये देखो 4500 माइनस क्योंकि जा रहा है, 1000 आउटस्टैंडिंग है क्योंकि पे नहीं किए बाद में कर देंगे, 5500 इसलिए आया क्योंकि 4500 और 1000 55 होगा, ठीक है। सैलरी चाहे आपने कैश में पे करी हो चाहे आउटस्टैंडिंग, सैलरी तो सैलरी है और सैलरी खर्चा है, और कोई भी खर्चा हमेशा कैपिटल में से माइनस ही होता है, इनकम प्लस होती है और कैपिटल में और एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, न्यू इक्वेशन आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है बॉट मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज 30,000, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही आप ये वाला शब्द देखेंगे पर्सनल यूज तो समझ जाइएगा कि क्या है, ड्रॉइंग्स, क्या है बच्चे, ड्रॉइंग्स। और मैंने हमेशा से आपको जब ये वाले दो पॉइंट बताए हैं तब मैंने आपको हमेशा से ये चीज भी बताई है कि ड्रॉइंग्स कैश में से माइनस होती है और कैपिटल में से भी माइनस होती है, लेकिन वो ड्रॉइंग कैश की होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो 30,000 के ये है तो ड्रॉइंग्स हमेशा कैश और कैपिटल में माइनस होती है ना, तो कैश में से भी माइनस कर देंगे 30,000 और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे 30,000, तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो गई 30,000। फाइनल इक्वेशन आप निकाल लेंगे सारी कैलकुलेशन करके, रिमेनिंग जगहों को आप जीरो से फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ बच्चों को क्वेरी होती है कि दे वॉन्ट की जो बैलेंस शीट बना के दिखाने के लिए, वैसे मैं एक बार एक वीडियो में डाल चुकी हूँ बट स्टिल एक बार फिर दोबारा मैं बैलेंस शीट बना देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट करते हैं, सबसे पहले बीचों बीच आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ व्हाट वाज़ द नेम, समीर गोयल, बैलेंस शीट ऑफ समीर गोयल, ठीक है, एज एट 31st मार्च, क्योंकि 31st मार्च को ख़त्म होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, तो लेट्स सी कि कोई डेट दे रखी है, नहीं कोई भी डेट नहीं दे रखी है एज सच, ठीक है। ये देखिए कोई भी डेट गिवन नहीं है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो चलिए यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी एंड कैपिटल,
अमाउंट असेट्स अमाउंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले असेट्स में दे रखी है तीन चीजें, कैश स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिख देते हैं कैश स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सबसे पहले कैश का फाइनल इक्वेशन का आंसर है 92,500। ध्यान में रखिएगा बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ फाइनल इक्वेशन के आंसर्स आते हैं, तो कैश में 92,500, स्टॉक में 30,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस में 3,000। ठीक है, तो कैश में 92,500, स्टॉक में 30,000 और प्रीपेड में 3,000, ये हमने तीनों लिख लिए। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग कैपिटल और ये, तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल। क्रेडिटर्स में आप लिखिएगा 20,000, कैपिटल में लिखिएगा 1,000। क्रेडिटर्स में 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 1,000 और कैपिटल में 104,500। ठीक है, बस एक अब छोटा सा काम रह गया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सब का टोटल नीचे लिख दीजिएगा प्लीज। ठीक है, आप इन सब का 20,000 प्लस 1 प्लस ये, इसका टोटल नीचे लिख दीजिएगा और 92,500, 30 और 3,000 का टोटल नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली, ठीक है, देखिए मैंने टोटल कर दिया है। तो जिन भी लोगों को बैलेंस शीट समझ में नहीं आई थी, मैंने आपसे बोला था ये बहुत ही इजी है। अब देखिए कितनी जल्दी मैंने बैलेंस शीट बना दी है ना, एक मिनट का भी टाइम नहीं लगता बैलेंस शीट बनाने में, बस आपको अपनी स्पीड तेज रखनी है क्योंकि सब आंसर्स आए होते हैं। एक और चीज, मेक श्योर कि आपका इन दोनों साइड का आंसर्स अलग अलग आप सेपरेट प्लस कीजिएगा, सेम आए, क्योंकि अगर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, जिनके पास भी ये बुक है, आई विल शो यू, जिनके पास भी ये बुक है अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटेंसी क्लास 11th वाली, तो आपका जो सिलेबस है ना बच्चे, इसमें जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के जो मैंने अभी आपको कराए, तो वो सिर्फ आपके 6th तक आने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6th तक आने हैं। तो जिनके पास भी ये नई वाली ये जो बुक है, जिनके पास भी बुक है, तो मेक श्योर कि ये आप ना करें कहीं आप 7-8 करने लग जाएं। आपके सिलेबस में बस ये 6th तक आनी है, 7th, 8th, 9th, 10th जो भी है ये नहीं आना। फिर उसके बाद 6th के बाद ये 10th, 11th, 12th, 13th और ये वाला कंप्लीट पेज आना है आपका, ये पेज आना है। उसके बाद ये 14th इलस्ट्रेशंस भी आना है, उसके बाद 16th भी आना है, 18th भी आना है, देन 20th भी, ये वाला जो पेज है आपका 20th वाला, ठीक है, ये भी आना है। और उसके बाद तो ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो प्लीज आप ज्यादा मत चलिएगा, सिर्फ 6th तक बड़े वाले आने, बाकी सब छोटे वाले आने। ठीक है, ओके, फिर भी कोई डाउट आए तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू।